ये सारी पॉलिसी लाते रहे, उसी तरह मोदी जी भी अपना कैंपेन करते रहे और उसी दौर में 5 हवाई अड्डों को बेच दिया और ये हमारा एजुकेशन बेच रहा है। ऐसे दौर में जब इलेक्शन हो रहा है तो इन लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। ये जो आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, हमें जो नेशनल एंटी नेशनल का डिबेट सिखा रहे हैं, हमें नेशनल बनने की बात बता रहे हैं, हम उनको कहना चाहते हैं कि हमारे जैसा लोग हर एक इंसान हर एक घर में होता है, जो जेएनयू आने का सपना देखता है, जो पढ़ने का सपना देखता है, एक अच्छे भारत बनाने का सपना देखता है, उनको ये बताना चाहेंगे कि मोदी जी है तो मुमकिन नहीं है, शिक्षा है तब मुमकिन है। शिक्षा है तब समानता है, शिक्षा है तब सम्मान है, शिक्षा है तब विकास है। ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ेंगी। आपको लग रहा है कि बिना एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि नौकरी पकौड़े तलना, आपके लिए साइबर सेल में काम करना ये नौकरी है तो हम नहीं मानते इसको नौकरी। नौकरी वही होती है जो ऐसा प्रोडक्शन हमें कराए ताकि इस देश को आगे लेके जाए, ना कि हिंदू मुसलमान में लड़ाए। गलत गलत वीडियो डाल के आप दंगे करवा लीजिए पूरे देश में, लेकिन ये देश आपको एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि आप ये जो फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, इंटरनल एनिमी तब से किए जा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं और हम ये बताना भी चाहते हैं कि इस देश का अगर इंटरनल एनिमी कोई है तो ये आरएसएस के लोग हैं, और ये आज से नहीं, स्वतंत्रता के टाइम से है ये लोग। जब हमारे देश में लोग मर रहे थे, अपने जान दे रहे थे आजादी के लिए, तब ये सावरकर का फोटो इधर लगा है। ये लोग ही ब्रिटिशर्स को लेटर लिख रहे थे कि हमें माफी दे दीजिए, और अभी ये बोल रहे हैं कि मृत्युंजय जीतेगा या फिर मृत्यु जीतेगा या सावरकर। जब माफीनामा दोगे तो सावरकर जीतेगा, माफीनामा दोगे देश बेचोगे तो कौन जीतेगा? सावरकर जीतेगा। अगर इनकी चलती तो ब्रिटिशर के गुलाम होते हम, अभी भी हम गुलाम होते अगर इनकी चलती। और इसीलिए फिर से एक बार ये दौर आ गया है कि एक ऐसे लोग हैं जो फिर से हमें गुलाम करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से। हवाई अड्डे बेच दिया, लाल किला तक बेच दिया, लाल किला। और इसीलिए जब सब कुछ बेचने की बात चल रही है तो हमें बताना पड़ेगा कि हम भगत सिंह के जनरेशन से, जो हंगर स्ट्राइक भी किया, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया, लेकिन अपनी लड़ाई चलाता रहा, ये बोलता रहा कि अगर इंडिया होगा तो एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें सबको समानता होगी, सब शिक्षा ले सकता है, सब हेल्थ ले सकता है, और इस तरह के भारत की सपना हम देखते हैं। और इसीलिए आज हम जनरेशन पे एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस मुद्दे को आगे लेके जाए और इनको बोले कि आप चाहते हैं एंटी नेशनल नेशनल का डिबेट करना, हम इन सारी चीजों पे डिबेट करना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारी नौकरी कहाँ है, आप बताइए, हमारा एजुकेशन कहाँ है, आपने कितने हॉस्पिटल्स खोले हैं, कितने नए यूनिवर्सिटीज खोले, ये सारी चीजें आप बताइए, वरना आपको ये देश का जनता उखाड़ फेंकेगा, ये हम उनको बताना चाहते हैं। और इसी के साथ ये बोलते हुए यहाँ पे इस वाइस चांसलर का पुतला हम दहन करेंगे, उसको जलाएंगे, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है इस कैंपस में उस सोच को, और उसके साथ साथ इस जो आंदोलन को यहाँ से जो आग जलेगी उसको हम आगे लेके जाएंगे। ये इंश्योर करेंगे कि पूरे देश में ये बात होनी चाहिए कि क्या चल रहा है जेएनयू में, कैसे एक तरफ आप ईडब्ल्यूएस कर रहे हैं और कैसे दूसरी तरफ लोगों का एक्सक्लूजन कर रहे हैं, किस तरह से सीट नहीं आ रही है एमफिल पीएचडी में, लोगों को रिसर्च करने ही नहीं देना है, एक सेंटर एक्सक्लूजन का, उसमें एसटी का सीट नहीं है, इससे बड़ा एक्सक्लूजन क्या होगा। आप डेप्रिवेशन पॉइंट्स, जिसके लिए जेएनयू जाना जाता है, वहां पे डेप्रिवेशन पॉइंट्स खत्म कर रहे हैं। बीए लैटरल एंट्री, जिसमें बीए फर्स्ट ईयर में इंग्लिश में पूछते हैं, जो नहीं आ पाते हैं वो बीए सेकेंड ईयर में देते हैं, उनको वो बंद कर रहे हैं, और तब कर रहे हैं जब पूरा एसएल बोल रहा है कि हमें बीए लैटरल एंट्री का एग्जाम चाहिए। ऐसे दौर में जब ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो एनिमी है उसको अब उखाड़ फेंकना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।